ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। उपनिषदों के क्रम में आज हम बृहदारण्यक उपनिषद को प्रारंभ कर रहे हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय अध्यात्म रहा है, परमात्मा तक, ब्रह्म तक पहुंचना रहा है और वहां तक पहुंचने के लिए वो विभिन्न कथाओं से, विभिन्न प्रक्रियाओं से विषय को रखते हैं। सृष्टि के बारे में बताते हैं, शरीर के बारे में बताते हैं और बहुत सारे तरीकों से बताने का प्रयास करते हैं। तो लगभग वैसी ही शैली बृहदारण्यक उपनिषद में भी है। अनेक कथाएं हैं। कर्मकांड का भी कुछ विषय लेते हुए उसके माध्यम से इस संसार को, सृष्टि को समझाने का प्रयास किया, ब्रह्म को समझाने का प्रयास किया है। कुछ बातें बहुत सीधी सीधी सरल सरल हैं और कुछ बातें रहस्यपूर्ण हैं, विचारणीय हैं कि इनके पीछे क्या तात्पर्य है, क्यों ये ऐसा कहना चाहते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद में बृहदारण्यक इस शब्द में बृहत और आरण्यक इस तरह हम तोड़ सकते हैं, दो शब्द हैं। तो बृहत का मतलब बड़ा और आरण्यक अरण्य में होने वाला, अरण्य में कहा जाने वाला, अरण्य से संबंधित, उसको आरण्यक कहते हैं। अरण्य यानी जंगल, वन। वहां जो कुछ कहा गया उससे संबंधित रहा होगा तो इसको बृहदारण्यक ये नाम दिया गया। बृहदारण्यक उपनिषद ऐसी उपनिषद जो बड़ी है और अरण्य से संबंधित है। अन्य उपनिषदों की अपेक्षा कलेवर की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से ये सबसे बड़ी मानी जाती है। आकार की दृष्टि से, शब्दों की दृष्टि से सबसे बड़ी उपनिषद है, विस्तृत है, घटनाएं हैं। अनेक जगह इसके अंदर आवृत्तियां भी हैं, कोई एक ही बात को अलग अलग जगह पे थोड़े से परिवर्तन के साथ में रखा गया है, इसलिए भी कुछ अधिक विस्तार है। और इसमें कुछ इतिहास की बातें भी हैं जिसमें वंश परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा इत्यादि, इसकी ये ऐसे 3 जगह पे वो भी आती है, वर्णन आते हैं वो, और भी विस्तार दिया गया, इसलिए ये बड़ी है। और कुछ इसको अर्थ की दृष्टि से भी सबसे बड़ा मानते हैं, गंभीर मानते हैं। एक है कलेवर मात्रा की दृष्टि से। तो शंकराचार्य जी ने तो इसी अर्थ में बृहदारण्यक इसको लिखा है, लेकिन कुछ टीकाकारों ने इसको कलेवर के साथ साथ गंभीरता की दृष्टि से भी विस्तृत माना है। व्यापक है, ये व्यापक विषयों को लेती है, बहुत अनेक छोटे छोटे अलग अलग विषयों को लेके चलती है। इस दृष्टि से भी ये बृहत है, व्यापक है। तो जैसा कि पहले आपके सामने रखा था कि उपनिषद अधिकांश ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं, वेद से संबंधित ग्रंथों के भाग हैं, उनमें कही गई बातें हैं, उनके भी प्राय अंतिम भाग हैं ये। तो बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद से संबंध रखती है और यजुर्वेद के भी एक ब्राह्मण वाजशनेय ब्राह्मण से संबंधित रखती है। से यजुर्वेद की दो शाखाएं उपलब्ध होती हैं अभी, उसमें एक माध्यंदिन शाखा और एक काण्व शाखा। माध्यंदिन शाखा और काण्व शाखा, जो माध्यंदिन शाखा है उसको मूल यजुर्वेद माना जाता है। जो चार वेद प्रचलित हैं, जो हमारे यहाँ पर भी पाठ किए जाते हैं, ये माध्यंदिन शाखा वाला है, मूल वेद यजुर्वेद कहलाता है। और काण्व शाखा में लगभग यही वेद है, कहीं कहीं शब्दों का थोड़ा अंतर है। तो ये उपनिषद, ये बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद की काण्व शाखा से संबंधित है और उसके वाजसनेय ब्राह्मण से संबंधित है। काण्व शाखा का जो वाजसनेयी ब्राह्मण है उसका ये अंतिम भाग है। यजुर्वेद की काण्व शाखा का वाजसनेयी ब्राह्मण उससे जुड़ा हुआ ये है, तो इसको वाजसनेय ब्राह्मणोपनिषद ये नाम भी दिया जाता है। और इसके अंदर कुल 6 अध्याय हैं। 6 अध्यायों में ये बटा हुआ है और 6 अध्यायों में भी दो दो अध्यायों को ये अलग अलग कांड का नाम देते हैं। पहले और दूसरे को मधु कांड बोलते हैं। उपासना का विषय प्राय इसमें रहता है मधु कांड, और तीसरे चौथे को याज्ञवल्कीय कांड बोलते हैं, याज्ञवल्क्य से संबंधित याज्ञवल्कीय कांड बोलते हैं। और पांचवें छठे को खिल कांड बोलते हैं। खिल भाग परिशिष्ट की तरह से माना जाता है, परिशिष्ट के रूप में खिल, अखिल में अ हटा दें तो खिल, खिल कांड। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये इसके प्रथम 4 अध्याय ही इसके मूल उपनिषद के भाग हैं, बाकी जो 2 हैं वो परिशिष्ट के रूप में हैं इसी के भाग, लेकिन वो परिशिष्ट के रूप में है। परिशिष्ट को हम थोड़ा साथ में जोड़ा हुआ, बाद में जोड़ा हुआ, ऐसा कुछ स्वीकार करते हैं, तो मूल से अतिरिक्त कुछ है पुस्तक का भाग होते हुए भी। तो बाकी के 2 पांचवें और छठे अध्याय खिल कांड के नाम से कहे जाते हैं। और इन अध्यायों के अंदर जो वर्गीकरण है वो ब्राह्मण के नाम से है, ब्राह्मण कहा जाता है। जैसे कि ये पहला अध्याय है तो इसका पहला ब्राह्मण आएगा, फिर दूसरा आएगा, इसमें 5 ब्राह्मण हैं। तो प्रथम अध्याय में 5 ब्राह्मण हैं, यानी खंड हैं उसके, 5 फिर भाग किए हैं। एक अध्याय के भी 5 भाग हैं, ऐसे आगे आगे, किसी में 6 ब्राह्मण हैं, 9, 6, 15, 5, ऐसे इन 6 अध्यायों में अलग अलग ब्राह्मण हैं। और इन ब्राह्मणों में भी एक एक ब्राह्मण में जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि यह अभी प्रथम अध्याय का पहला ब्राह्मण या कोष्टक में लिखा हुआ है, और उसमें अब जो ये पहला आएगा, फिर 1, 2, 3 ये जो संख्याएं लगी है खंड की, इनको कंडिका के रूप में कहते हैं। एक छोटा छोटा भाग इसका है, वो विस्तार से आएगा। यहां जो हमारा विषय अभी शुरू हो रहा है वो एक बड़े व्यापक प्रचलित सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। पीछे भी इस तरह का वर्णन हमने देखा था। एक प्रसिद्ध वचन है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है। पिंड मतलब ये शरीर, हमारा जो मनुष्य शरीर या इकाई है, इसको एक पिंड कहते हैं। जो इस पिंड में है वो ही इस ब्रह्मांड में है, इस बड़े अंड के अंदर है। बड़ा अंड, ये जो सृष्टि है, जगत हमें बाहर इतना विस्तृत प्रतीत होता है, इसमें भी ऐसा ही है। जैसा यहां है वैसा वहां पर है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। और इसको उलट करके भी बोल देते हैं, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। तो इसको देखते हुए जिस ढंग से ये प्रस्तुत किया जाता है वो ऐसा है, उसको तुलना करके बताते हैं कि जैसे शरीर में ये है ऐसे इस ब्रह्मांड में ये है, इस जगत में ये है। जैसे इस शरीर में ये है ऐसे वहां पर है। जैसे इस शरीर में चेतनात्मा है वैसे इस ब्रह्मांड में भी चेतनात्मा है, परमात्मा है। ब्रह्म है, इस तरह से वर्णन होता है। तो एक दृष्टि में कई बार कुछ लोग इसका आधार लेते हुए इसकी व्याख्या इस ढंग से करते हैं कि जैसा जैसा बाहर है वैसा वैसा ही अंदर है, इसलिए अंदर ही जान लो तो बाहर को भी जान लेंगे पूरा पूरा। जैसा अंदर है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और हमें ब्रह्मांड को जानना है तो क्या कर लेंगे, और ब्रह्मांड को जान नहीं सकते, बहुत विस्तृत है, तो पिंड को जान लो तो पूरे ब्रह्मांड को भी जान लेंगे, क्योंकि जो यहां है वो वहां पर, या जैसा यहां है वैसा ही वहां है, यहां छोटे रूप में है वहां बड़े रूप में, विस्तृत रूप में है। तो जैसे कि कोई बड़ा भवन हो और उसका मॉडल हो, प्रतीक के रूप में कुछ बना रखा हो, तो बोले इसको जान लो, जैसा यहां है वैसा वहां है, पूरे को नहीं जान सकते तो इसको जान लो। नक्शे में जान लो तो पूरे भारत को, पूरे विश्व को नक्शे के ऊपर हम जान लेते हैं संक्षेप से। तो कुछ इस तरह से, और न केवल संकेत के रूप में व्याख्या इस ढंग से प्रस्तुत की जाती है, इन सारी चीजों का प्रत्यक्ष अंदर ही हो जाता है हमारा, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, बाहर देखने की जरूरत ही नहीं, सब चीजें अंदर ही पता लग जाएंगी। तो एक अंदर जानना होता है परमात्मा के माध्यम से, क्योंकि परमात्मा अंदर भी है और सर्वव्यापक है और सब जगह सर्वज्ञ है। उस दृष्टि से परमात्मा से हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाए ये तो एक अलग बात है, लेकिन शरीर को हम जान लेंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड को भी जान लेंगे, इस तरह से प्रस्तुति दी जाती है। अर्थात ब्रह्मांड को जानने की जरूरत नहीं है, बस इस शरीर को जान लो तो सब कुछ जान लिया। अब उसमें एक चेतन तत्व ही ले लें हम कि शरीर की आत्मा को जान लिया तो यानी ब्रह्मांड की आत्मा को, परमात्मा को भी जैसे जान लिया, तो ये अपने आप में ऐसा है नहीं। आत्मा को जानना अलग है और परमात्मा ब्रह्म को जानना एक अलग है, वो हमारे शास्त्रों में एकदम स्पष्ट अलग अलग लिखा हुआ है, एक से दूसरे का काम नहीं चलता है, अलग अलग वर्णन है दोनों के, और दोनों को ही जानना होता है, और प्रकृति को भी अलग से जानना होता है। हमने इस शरीर को जान लिया तो अब इस ब्रह्मांड को, प्रकृति को जानने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। पर यत्पिंडे तद ब्रह्मांडे को लोग अधिकतर इस रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, थोड़ा अति में जाकर के लगता है। यहां भी आगे आप देखेंगे जो भी वर्णन प्रारंभ होगा वो ऐसा ही है। तो जैसा वर्णन किया जाता है उससे ये प्रतीत होता है, पीछे भी जो आया था छांदोग्य में भी, तो सबसे ये प्रतीत होता है कि ये केवल निदर्शन मात्र है, एक समझने के लिए है, एक मोटा मोटा समझने के लिए है। ये पूरा पूरा वैसा नहीं घटता है कि जैसे कि किसी मकान का, भवन का नक्शा हो या तो भवन का एक प्रतिरूप मॉडल हो, बिल्कुल वैसा का वैसा, ऐसा नहीं है ये कि जिस तरह से बिल्कुल वहां कमरे हैं और यहां अनुपात कम है, छोटा है, लेकिन है वैसे ही, अनुपात वही है लेकिन छोटा है, इस तरह से नहीं है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है पिछले वर्णन से भी और यहां से भी। ये मोटे तौर पर जो हम जानते हैं, इस शरीर को जानते हैं, उसकी तुलना मात्र की गई है, केवल समझाने के लिए, उदाहरण मात्र है। वो 100% ऐसा नहीं कि जैसा ये है वैसा वो है। आयुर्वेद में भी चरक संहिता में यत्पिंडे तत् ब्रह्मांडे को लेकर के व्याख्या की गई है, और वहां भी अलग अलग चीजें बताई हैं, जैसे यहां शरीर में वैसे ये, जैसे शरीर में ये वैसे वहां पर है, ये वर्णन वहां पर मिलता है। उसको भी देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, जो का तू है, कि जैसे ये एक शरीर है ऐसे ही एक ये भी पूरा का पूरा शरीर है। हम परमात्मा के वास की दृष्टि से ही देख लें, जैसे चेतन आत्मा का वास ही ये शरीर है, और बिल्कुल हर दृष्टि से कि वैसा का वैसा ही परमात्मा का वास ये ब्रह्मांड हम कहें तो नहीं कह सकते। मोटे मोटे तौर पे कुछ कह सकते हैं, वो भी पुरुष है, हम भी पुरुष हैं, वो बड़ा पुरुष है, हम छोटे पुरुष हैं, हमारी पूरी ये छोटी है शरीर है, उसकी पूरी बड़ी है। लेकिन अब जैसे इसमें एक रचना है पूरी व्यवस्थित, व्यवस्था अपने ढंग से वहां भी है, लेकिन ऐसी तो नहीं है। ना ऐसा आकार प्रकार है। आकार प्रकार भी चलो पशु पक्षियों का मनुष्यों का अलग अलग होते हुए भी एक तंत्र एक जैसा दिखता है हमें बहुत सारा, ऐसा भी नहीं लगता है यहां पर। और खासतौर से मनुष्य शरीर के साथ में जब तुलना की जाती है तो वो वैसा प्रतीत नहीं होता है। पीछे भी जैसे आया कि जैसे मनुष्य के शरीर में नेत्र हो ऐसे ये सूर्य है। अभी सूर्य को ऐसे कैसे देखें कि जैसे हम नेत्रों के माध्यम से देखते हैं हम, यानी आत्मा जीवात्मा, तो ऐसे परमात्मा और सूर्य के माध्यम से देखता है ऐसा तो नहीं कह सकते। वो तो बिना नेत्रों के भी देखता है, पश्यति अचक्षु, नेत्र न होते हुए भी देखता है वो, कान ना होते हुए भी सुनता है, वो सारे वर्णन भी हमें दूसरी तरफ मिल रहे हैं। अर्थात उसकी इंद्रियां नहीं है। जैसे हमें देखने के लिए नेत्र की आवश्यकता है ऐसे परमात्मा को देखने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा सूत्र सूर्य के माध्यम से नहीं देखता है। और हमारे दो नेत्र हैं और इस जिस जगत में हम रह रहे हैं इससे हमारे से संबंधित एक सूर्य है। अब यद्यपि और बहुत सारे सूर्य हैं, तारे हैं, उनकी कोई संख्या हम नहीं निश्चित कर सकते, करोड़ों अरबों हैं, खरबों हैं, तो सारे परमात्मा के नेत्र की तरह से हैं। लेकिन यहां जो वर्णन आता है वो इस सूर्य को लेकर के आता है, इस चंद्रमा को लेकर के आता है, ऐसा हमें जो प्रतीत होता है, क्योंकि वही हमें दिखाई देता है। बाकी के तारे हैं वो तो हमारे सूर्य की तरह से हमें पता ही नहीं रखते, हम उसको सूर्य कहते ही नहीं हैं, उनकी तो तारे की संज्ञा है। ऐसे ही और बहुत सारी चीजें हैं। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का सिद्धांत बहुत व्यापक बोला जाता है, बार बार बोला जाता है, और उसके साथ साथ छवि या तो प्रभाव ये दिया जाता है कि जैसा यहां है बिल्कुल वैसा का वैसा वहां पर है। और इसको जान लिया तो उसको जान लिया, इसको जान लिया, पिंड को जान लिया तो ब्रह्मांड को भी जान लिया, उसकी आवश्यकता फिर नहीं है। इस रूप में प्रस्तुति होती है। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में है वैसा ब्रह्मांड में है। तो ये पिंड एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब वो परोक्ष चीज है, कुछ चीजें हमें वहां दिखाई भी दे रही हैं, लेकिन वो चीजें हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। हमें सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पहाड़, वायु, अग्नि, ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम इन सबको अलग अलग के रूप में देख रहे हैं। ये सामान्यतया जो हम देखते हैं, ये सिद्धांत किसी को पता नहीं हो और वैसे संगति नहीं लगाई हो तो हम इसको सबको अलग अलग रूप में देखते हैं। लेकिन जब हम शरीर में इन चीजों को देखते हैं तो हमें एक इकाई दिखाई देती है, एक तंत्र दिखाई देता है, जो पूरा शरीर है, एक व्यक्ति है, ये उसके ये भाग हैं, परस्पर संबद्ध हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं और मिलकर के कार्य कर रहे हैं, एक इकाई के रूप में है, तंत्र है, पूरा व्यवस्था है। शरीर के प्रति हम ये भाव रखते हैं, ये हमें समझ में आता है, सामान्यतः सबको समझ में आता है। लेकिन इस ब्रह्मांड के संबंध में, इस जगत के संबंध में हमें ये उस तरह से प्रतीत नहीं होता कि ये एक इकाई है, आपस में संबद्ध है, हम अलग अलग देखते हैं। हाँ, आगे चल के जब हम समझने लगते हैं तो इतना तो लगता है कि ये आपस में संबद्ध हैं, ये भी पता लग जाता है। तो इस जगत की परस्पर संबद्धता को बताने के लिए इस शरीर का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। आपस में संबद्ध हैं, ये मिले जुले हैं, इनमें परस्पर तालमेल है, और कुछ 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 उस तरह से समझ लिया जाए, तो एकत्व को बताने के लिए कि सारा एक से जुड़ा हुआ है। पूरा पूरा वैसा नहीं मिलेगा, संगति लगती ही नहीं है। और उदाहरण या दृष्टांत बस एक अंश में ही होता है, पूरा पूरा नहीं होता है। और इसको हम पूरा पूरा घटाएंगे तो बड़ा बेडोल हो जाएगा, बड़ा विचित्र हो जाएगा, ये ऐसा कैसा शरीर है। लेकिन बस इतना बताना चाहते हैं कि ये एक शरीर है, ये शरीर एक तंत्र है और उससे जुड़ी हुई ये सारी चीजें। बस ये भाव हमारे मन में अगर पैदा हो जाता है इसको पढ़ के, तो ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसे ये शरीर है वैसे ही वहां पर। अब हम कहें कि इस शरीर में जो हमारे श्वास आते जाते हैं, ये पिंड में हो गया, इसका हमें पता है, अनुभव है। तो ऐसे ही इस संसार के अंदर वायु बह रही है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे हो गया। अब उसका ये मतलब नहीं है कि जैसे हम हवा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हमारा जीवन चलता है, ऐसे इस धरती का जीवन, धरती मतलब जड़ जगत का, इस वायु से चल रहा हो। ठीक है, वायु उपयोगी है, वो उसका भाग है, जड़ है, लेकिन चेतन जीवन के लिए यह आवश्यक है, उस रूप में कार्य करती है। जड़ वस्तुओं के लिए भी कुछ कार्य करती है। तो जल है तो हमारे शरीर में भी जल है, वहां भी जल है, तो वैसा ही जल है। इस तरह से तो हम तुलना नहीं कर सकते। तो केवल एक प्रतीक के रूप में इसे हमें देखना चाहिए। तो आगे इसको हम प्रारंभ करते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद का प्रथम अध्याय और पहला ब्राह्मण। ये बातें जब आप अभी तुलना देखेंगे सारी, उस परिप्रेक्ष्य में आप करेंगे कि यत् पिंडे और तत् ब्रह्मांडे का सीधे सीधे कथन नहीं है, लेकिन बात वही बताई जा रही है। और उदाहरण वो होता है जो हमारे को ज्ञात होता है, पता होता है, और दूसरी चीज जो बताई जा रही है वो अज्ञात होती है। ज्ञात से अज्ञात को बताते हैं, उदाहरण से हम उस चीज को समझाना चाहते हैं जिसको हमने समझा नहीं है। अब जिस चीज को समझाना चाह रहे हैं वो इस जगत है, सृष्टि का, ये सृष्टि के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो चीजें बताई जाएंगी वो तो हमारी ज्ञात है, वो भी अभी सारी चीजें आएंगी। तो फिर आखिर बताना क्या चाह रहे हैं उससे? उसे केवल ये बताना चाह रहे हैं जैसे शरीर में ये है ऐसा ही वहां पर ये है, क्या मात्र इतना ही बताना चाहते हैं? या ये सब एक इकाई है, परस्पर सामंजस्य है, उसको बताना चाहते हैं? ये इसके पीछे का जो भाव है वो हम आगे इसको पूरे को प्रथम ब्राह्मण को करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण और उसका ये पहली कंडिका। ओम उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरः। उषा जो प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले ललाई आती है, लाल लाल भाग, पूरा आकाश एक कोने में एक तरफ से लाल लाल बड़ा विस्तृत हो जाता है, उसको कहते हैं उषा। प्रातःकाल भोर जो होती है। मेध्यस्य अश्वस्य शिरः, इस मेध्य जानने योग्य अश्व का सिर है। अश्व कौन है? इस सृष्टि के लिए कहा जा रहा है, तो सब जगह व्याप्त है, फैली हुई है, गतिशील है। अश्व का मतलब ये सृष्टि, जगत, ये जो चलायमान जगत है। और है कैसा? मेध्य है ये। मेधा शब्द होती है, मेधा बुद्धि के लिए, एक विशेष प्रकार की बुद्धि को हम मेधा कहते हैं। और मेध्य मतलब मेधा के लिए जो हितकर होता है उसको मेध्य भी, उसको भी मेध्य कहते हैं। मेधावटी, मेध्य औषधियां, मेधा के लिए हितकर। या मेध्य का मतलब है जो जानने योग्य है, उसको भी मेध्य बोलते हैं। जो जानने योग्य है वो मेध्य है, मेधा के योग्य है, अर्थात जाना जा सकता है, जाना जाना चाहिए, जिसको हमें जानना चाहिए उसे मेध्य कहते हैं। और ये अश्व है, इसका विशेषण साथ में मेध्य से अश्व से। अश्व है ये सृष्टि, यानी ये सृष्टि जानने योग्य है, ये सृष्टि को जनाना चाहते हैं, उद्देश्य इसका सृष्टि को जनाना है। और सृष्टि भी इस अध्यात्म में जानने योग्य है, उपनिषद में जानने योग्य है, उसको जानना आवश्यक है हमारे लिए। मुक्ति की प्राप्ति के लिए, संसार को समझने के लिए सृष्टि को जानना आवश्यक है। तो ये मेध्य अश्व है। और इस मेध्य अश्व के का सिर क्या है? जैसे कि हमारे मनुष्य का, हमारा जो सिर होता है, और जैसे ये उषा है ये इसका सिर है। अब इस पूरी सृष्टि को हम देखें, उसमें ये उषा को सिर के रूप में कैसे देखेंगे? हमारा सिर जैसा होता है ऐसे कैसे देखेंगे? या तो हम केवल अपने ललाट ललाट को देखें यूं, सिर का मतलब केवल ललाट। ललाट कैसा होता है? नीचे से तो सीधा रहता है और ऊपर से गोल जैसा रहता है ना, लगभग, सबका नहीं लेकिन लगभग ऐसा ही तो रहता है, नीचे से यूं और ऊपर से। उषा कैसी रहती है? उषा भी तो हम थोड़ा सा गोली रूप में देखते हैं ना, क्योंकि सूर्य उसी तरह गोल होता है, तो उसका जो घेरा बन रहा है, उषा तो घेरा ही है उसका, प्रकाश का, और वो भी यूं गोल सा ही दिखेगा हमारे को, हालांकि बहुत विस्तृत होता है, लेकिन नीचे से अधिक और फिर थोड़ा हल्का हल्का होके बीच में गहरा रहता है, इधर किनारे पे थोड़ा हल्का रहता है, दूर दूर होता है। तो ऐसे जैसे कि यहां से सूर्य उग रहा हो या गहरा हो और वो फैला हुआ उसका सिर हो जैसे कि। अब यूं पूरी सृष्टि में आप उषा को देखेंगे तो उषा सिर के रूप में क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन बस हमारे को थोड़ा दिख रहा है ऐसा है तो उषा को सिर की तरह से कह दिया। उषा व अश्वस्य अश्वस्य मेध्य से शिरः। सूर्य चक्षु, ये सूर्य क्या है? नेत्र के समान है, सूर्य नेत्र के समान है। अब यहां तो सिर के अंदर हमारे नेत्र लगे हुए रहते हैं और वहां भी उषा के अंदर सूर्य लगा हुआ रहता है नेत्र की तरह से उसमें। अब वहां तो वो उस सूर्य से ही तो ये उषा हो रही है पैदा, उसी से तो उत्पन्न हो रही है, वो उसी के तो घेरे में है। इसलिए वहां पर निरुक्त आदि में भी इसको अलग अलग ढंग से चित्रित किया गया है। उषा का और सूर्य का आपस में क्या संबंध है, वो अलग अलग ढंग से दृष्टि से अलग अलग किया गया है। अब यहां सीधे सीधे तो इस नेत्र और हमारे सिर के बीच में जैसा संबंध है ऐसा सूर्य और उषा के बीच में हम कैसे लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत। लेकिन सूर्य चक्षु ऐसे समझ लो जैसे कि यहां नेत्र है ऐसे वहां सूर्य है। अब इस नेत्र को समझने से सूर्य समझ में आ जाएगा क्या? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और पिंड को समझ लिया तो ब्रह्मांड को भी समझ लिया। अब इस सिर को हमने समझ लिया तो उषा समझ में आ जाएगी। ओके, जैसे उषा है, प्रकाश है, लालिमा है, अंधकार से, ये भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। प्रतीकात्मक रूप में हम कई चीजें जोड़ सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे कैसे जोड़ेंगे उसको? तो सूर्य चक्षु हो। वातः प्राणो, जो वायु बह रही है ये कैसी है? प्राण है। यानी जो जैसे हम ये श्वास प्रश्वास लेते हैं ये प्राण वायु वाला, हमारे शरीर में ये प्राण है और यहां पर ये वायु है। आगे अग्निर्वैश्वानरः प्रणयी, व्यात्तम अग्निर्वैश्वानरः। व्यात्त कहते हैं खुला हुआ मुंह, खुला हुआ मुंह होता है ना मगरमच्छ का, एकदम खुला हुआ रहता है कि जैसे ही कुछ आया पट से अंदर तैयार बैठा है खाने के लिए। तो हमारा भी जब मुंह खुला हुआ रहता है, बहुत लालायित होते हैं तो मुंह खोल के रखते हैं ना, तैयार आया और लपका, जैसे जानवर करते हैं, पहले से खोल के रखते हैं। कई जानवर रखते हैं ऐसा, और हम भी जब ग्रास जाता है तो उससे पहुंचने से पहले ही हम खोल लेते हैं उसको, मुंह को आया और झप से दे लिया। तो खुला हुआ मुंह जो कि भक्षण के लिए तैयार है, वो क्या है इस जगत के अंदर? तो बोले ये वैश्वानर अग्नि है। ये अग्नि कैसी है? उसमें कुछ भी डाल दो जल जाएगी, पचा जाएगी, खा जाएगी उसको। अब इस मुख का और उस अग्नि का सीधे सीधे तो कोई संबंध नहीं है कि शरीर के। अब अग्नि भी यहां तो कई है, इस सृष्टि में कितनी अग्नियां हैं, इस धरती पे ही कितनी जगह अग्नियां जल रही हैं, वो अलग अलग अग्नियां। यहां तो एक ही अग्नि है, केवल एक ही मुख है। वो केवल इतना कि यहां जो खाने वाली चीज है जिसमें जाकर के वो पच जाता है, विलीन हो जाता है, ऐसे वो ये अग्नि है यहां पर, बस प्रतीक के रूप में। वो कोई मुख को समझ लिया तो अग्नि को समझ लेंगे हम, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, नहीं बनेगी बात। तो बस इतना ही है कि जैसे जिसमें खाया जाता है, जिसमें आहुति डाली जाती है, वैसी वो अग्नि है, वैश्वानर अग्नि। और जैसे इस मुख में आहुति देते हैं तो वो पूरे शरीर में पहुंच जाती है, फिर सबके लिए हितकारी होती है। हम अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग भोजन तो नहीं कराते, आंख नाक कान के लिए कि भाई ये लीजिए, दवाई की बात छोड़ दो, लेकिन बाकी तो हम मुख में ही डालते हैं, बाकी सब जगह पहुंचता है। ऐसे ही अग्नि को माना गया है वहां पर कर्मकांड में। ये अग्नि सभी देवों का मुख है, अग्नि में डाल दो सब देवों को तक पहुंच जाएगा। हव्यवाग, हव्य का वहन करने वाली होती है, जो हमने डाला है उसका वहन करती है, पहुंचा देती है सब जगह। तो बस ये मुख की तरह से, खुले हुए मुख की तरह से ये अग्नि है यहां पर इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में। संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य, ये जो मेध्य अश्व है, जानने योग्य अश्व है, इसकी आत्मा क्या है? बोले संवत्सर इसकी आत्मा है। संवत्सर क्या होता है? एक वर्ष होता है। ये तो काल का एक भाग है, एक खंड है। उसका और हमारे शरीर में जो आत्मा है उसका और इसका क्या संबंध है? ये तो काल की बात है और ये तो तत्व है, यूं तो देखने लगेंगे तो। लेकिन एक बस समझाने के लिए कि भाई यहां पर जैसे आत्मा के आधार पे ये सब चलता है ना, संवत्सर के आधार पे चलता है। इस संवत्सर में सारी ऋतुएं आ जाती हैं, सारे चीजें हो जाती हैं, सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। एक साल के अंदर सारा चक्र घूम जाता है, उसके अंदर ही जैसे कि सारा का सारा घूम रहा है, एक पूरा चक्र, एक संवत्सर, एक वर्ष। तो शरीर में आत्मा है ऐसे संवत्सर कह दिया। अब यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अब आयुर्वेद में चरक संहिता के अंदर जब आत्मा का इंद्र, आत्मा यहां इंद्र है और इस जगत का इंद्र कौन है? आत्मा। वो परमात्मा हो जाएगा वहां पर। यहां पर तो संवत्सर को कह दिया, वहां पर दूसरे को कह दिया। अब दोनों ही यत्पिंडे तत् ब्रह्मांडे की शैली से बात कर रहे हैं। अलग अलग जगह जो यत्पिंडे तत् ब्रह्मांडे है वहां सब जगह एक जैसा नहीं है, उसमें भिन्नता है बहुत सारी। तो अगर बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता तो सब जगह एक जैसा मिलता। ये तो उदाहरण के रूप में समझाया जाता है, तो ये अलग अलग तो होगा ही, ये कोई मतभेद नहीं है, विरोध नहीं है। अब किसी को समझाना हो, किसी के बारे में समझाना हो कि मान लीजिए कोई कहे खच्चर कैसा होता है या जेबरा कैसे होता है, जंगली घोड़ा जैसा कह लो आप, जेबरा कैसे होता है। या किसी को कहा कि भाई चीता कैसा होता है, चीता कैसा होता है, कैसा बताएंगे? किस जैसा? बिल्ली जैसा। ठीक है, एक ने कह दिया बिल्ली जैसा क्योंकि उस बच्चे को बिल्ली दिखी हुई है, उसने बिल्ली देखी हुई है, उसको क्या बिल्ली जैसा होता है। और क्या कह सकते हैं? बोले शेर जैसा होता है, टाइगर जैसा होता है। ये भी कह सकते हैं ना, अगर बच्चे ने उसको देख रखा है टाइगर को तो बोले वो उसके जैसा होता है। और किसी ने बब्बर शेर को देख रखा है, लॉइन को, बोले लॉइन जैसा होता है। कह सकते हैं ना। अब ये तीनों जो अलग अलग वर्णन कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं वर्णन। अगर आप बिल्कुल यथावत लेने लगेंगे तो यूं लगेगा कि ये गलत कर रहे हैं। और दूसरी दृष्टि से हमें समझ है कि ये उदाहरण या दृष्टांत मात्र है, तो अब हमें तीनों गलत नहीं लगेंगे भी। हाँ, कुछ सदृशता आप बिल्ली से कर सकते हो, या नहीं बिल्ली तो छोटी सी होती है, वो तो बड़ा होता है। और खंडन करना चाहो तो सारे उदाहरणों का खंडन कर सकते हैं, लेकिन वक्ता जिस एक एक अंश में समानता देख करके कह रहा है तो उतना कह रहा है। अब किसी ने भेड़िया नहीं देखा है, भेड़िया कैसा होता है? कुत्ते जैसा होता है, और गीदड़ जैसा होता है, और अब ये जो दे रहे हैं बदल बदल के वो अलग अलग है या एक ही जैसा है? अच्छा, जिराफ देखें, जिराफ वो देखने हमारे यहाँ तो होता नहीं है, अफ्रीका में होता है, तो देखा नहीं। जिराफ कैसा होता है? बच्चे को कैसे समझाएंगे? किसका? ऊंट जैसा होता है। और हिरण जैसा होता है कह सकते हैं। हिरण भी कई होते हैं, कोई छोटी गर्दन वाले होते हैं, कुछ लंबी गर्दन वाले भी होते हैं। तो हम लंबी गर्दन वाले हिरण की तरह कह सकते हैं कि उस जैसा होता है। तो ये इतनी भिन्नता होते हुए भी चीज एक ही समझाई जा रही है, चीज एक ही समझाई जा रही है। आपको क्या शिमला मिर्च कैसी होती है? शिमला मिर्च कैसी होती है बताओ। अब कोई कहेगा कि नहीं मिर्ची जैसी ही होती है, हरे रंग की होती है। बोले मिर्ची लंबी होती है, वो गोल गोल होती है, बड़ी बड़ी। और कहो शिमला मिर्ची कैसी होती है? वो कहे सेब जैसी होती है। अब सेब जैसी होती है मतलब वो सेब का एक थोड़ा आकार ले रहा है कि वे ऊपर से चौड़ा और ऐसा होता है गोल गोल सा। अब उतना कह रहा है, वो रंग नहीं कह रहा है वहां पर, वो स्वाद को नहीं कह रहा है। लेकिन एक दृष्टि है कि भाई ठीक है सेब जैसी होती है, और कैसी होती है शिमला मिर्ची? हैं? टिंडे जैसी। अपने अपने ढंग से हम कुछ कुछ उदाहरण दे सकते हैं। तो ये उदाहरण देने की शैली हमें स्पष्ट हो कि किस तरह से हम उदाहरण देते हैं। अब ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे में बस हमें उतना सा ले लेना है। उदाहरण उदाहरण होता है, उसका एक अंश ही कुछ ना कुछ ढंग से कहना चाहता है व्यक्ति, बस उतना ही लेते हैं, बाकी चीजें नहीं ली जाती हैं। किला कैसा होता है? किला 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 या महल, हाँ पैलेस, पैलेस तो महल हो गया, किला मतलब तो दुर्ग जो होता है वो कैसा होता है? तो वो आप कहेंगे कि भाई बड़े घर जैसा होता है। नहीं, ऊंचाई पे तो होता है, ये तो लक्षण हो गया। किस जैसा होता है समझाना मुश्किल होता है, तो कई तरह से हम उसको कह सकते हैं। कुतुब मीनार कैसा है? खंबे जैसा है। और यूं कहें कि भाई इस पेड़ जैसा, नीलगिरी के या चीड़ के पेड़ जैसा है, या पानी की टंकी जैसा है। पानी की टंकी भी बोल सकते हैं ना, बच्चे ने जो देख रखा है उसके हिसाब से कह सकते हैं। उसको टावर दिखाई दे जाए इसका, दूरदर्शन का या किसी इसका, तो बोले जो जैसे टावर है ऐसा होता है वो। तो बोले उन्होंने तो कहा था कि खंबे जैसा होता है, और ये कह रहे हैं कि आप टावर जैसा होता है, वो कह रहे हैं कि पानी की टंकी जैसा होता है। अब कैसा होता है, कौन सही है कौन गलत है? भाई ये तो केवल दृष्टांत दिए जा रहे हैं, साम्यता कुछ दी जा रही है, गलत हम किसी को नहीं कह सकते। ऐसे ही यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का वर्णन करते हुए जो जहां जहां भिन्नता दिखती है उस पर वो ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं है। वो केवल समानता, कुछ एक चीज दिखाना चाह रहे हैं, जो चीज समझानी है बस उतनी चीज पकड़ ली, बाकी को लेके नहीं चलना है। वहां हम तार्किक लेकर के सारा का सारा जू का तू बैठाने लगेंगे तो कभी संगति नहीं लगेगी। उस तरह से कही नहीं गई है बात, तो संगति कैसे लगेगी वहां पर? और विज्ञान की तरह से बिल्कुल तत्वतः थोड़ा कहा गया है, दर्शनों की तरह से बिल्कुल तत्वतः थोड़ा कहा गया है। ये केवल समझाया जा रहा है, उपनिषद तो समझाना ही है, चीज को समझाना है। तो देखिए आगे, अब कहते हैं वो इस शरीर से तुलना कर रहे हैं, तो और आगे देख रहे हैं देव पृष्ठम, पीठ क्या है उसकी? हमारी तो पीठ हमें पता है ये पीठ है, इस सृष्टि की पीठ क्या है? बोले द्यूलोक है। अच्छा, ये चीजें जो अभी तक बताई गई, सूर्य को हम नहीं जानते थे क्या? जानते थे। हम वायु को नहीं जानते थे क्या? जानते थे। अग्नि को नहीं जानते थे क्या? संवत्सर को नहीं जानते थे क्या? इनको नहीं बता रहे हैं, ये तो जानते ही थे हम। ये केवल संबंध जोड़ा जा रहा है, जैसे इस शरीर में नेत्र है, प्राण है, खुला हुआ मुंह है, ऐसा वहां क्या है, बस इतना सा बता रहे हैं। वहां इन चीजों को नहीं बता रहे, बहुत सारी चीजें तो हम जानते ही हैं, फिर इसमें ज्ञात से अज्ञात को क्या बता रहे हैं? नेत्र को भी जानते हैं, सूर्य को भी जानते हैं हम, तो फिर नेत्र के उदाहरण से सूर्य को क्या समझाया जा रहा है? जैसे इस शरीर में नेत्र हैं, ऐसे उस विराट शरीर में, सृष्टि में सूर्य है। उससे संबंध जोड़ के बताया जा रहा है, ये केवल नेत्र से सूर्य मात्र को नहीं बताया जा रहा है, वो संबंध जोड़ा जा रहा है। और संबंध ये कि ये जैसे ये एक इकाई है, ऐसे वो भी एक इकाई है, वो भी आपस में संबंध रखते हैं। मुख्य बात केवल इतनी सी बतानी है, उसके आधार पे हम एक शरीर की रचना करें और एक काल्पनिक रूप से चित्र बनाएं कि भाई चलो सृष्टि का भी मैं शरीर बनाता हूं। जैसे शरीर का चित्र बना दें, वैसे बोले चलो ये वर्णन किया गया है और इसका चित्र बनाओ। बनाएंगे चित्र, कोई चित्रकार हो अच्छे से अच्छा, कि भाई यहां बता दिया है कि ये सृष्टि पुरुष, सृष्टि कैसी है और उसके ये अंग और ये चीजें हैं, इसका चित्र बनाओ आप। क्या चित्र बनाएंगे और बनेगा तो वो क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? कुछ समझ में आएगा कि ये कोई शरीर है या इकाई है, या जैसे ये पिंड है ऐसे ब्रह्मांड, ऐसा कुछ दिखाई देगा? कल्पना करो आप, प्रयास करना। कभी इसको भी पढ़ लेते हैं, आप में से जो भी उस तरह की प्रतिभा रखते हो, चित्रकारी की कलाकार हो, कोशिश करना, देखो कैसे बनता है चित्र। हमारी पीठ है, पृष्ठ, इसे क्या, द्यूलोक, जिसमें प्रकाशमान लोक है, वो स्थान द्यूलोक है, वो जैसे पीठ है इसकी। अंतरिक्षम उदरम, जो बीच का भाग है, पृथ्वी और द्यूलोक के बीच का भाग जो अंतरिक्ष है वो कैसे है, वो उदर के समान है। और पृथ्वी पाजस्यम, और पृथ्वी ऐसे है जैसे कि पैर हो, आधार हो, पृथ्वी आधार हो गई, बीच का अंतरिक्ष पेट हो गया और द्विलोक जो है, तो इस रूप में हम कैसे देखेंगे उसको कैसे हम उसको एक देखेंगे। द्विलोक को कोई सिर भी बोल सकता है, लेकिन सिर को तो इन्होंने बता दिया, उषा बता दिया, सिर को उषा बता दिया और पीठ को बता दिया द्विलोक को। और सिर पीठ के ऊपर होता है, नीचे होता है, ऊपर होता है, तो ये जो उषा है ये द्विलोक से भी ऊपर है। कैसे करेंगे कल्पना? आगे देखिए, दिशा पार्श्वे, जो दिशाएं हैं, चार दिशाएं, अलग अलग दिशाएं, चार दिशाएं मान लीजिए वो है उसके जैसे कि हमारे पार्श्व होते हैं, पार्श्व भाग होते हैं ना, अगल बगल जो होती है हमारी, उसके पार्श्व हैं। अवांतर दिशा पार्श्वः, जो बीच की दिशाएं होती है, अवांतर दिशाएं, यानी चार दिशाओं में बीच बीच की जो दिशाएं होती हैं, ईशान कोण, वायव्य कोण, आग्नेय, नैऋत्य आदि, जो ये चार कोण है, या ऊपर नीचे का ले लीजिए, नहीं तो अवांतर दिशा ये बीच वाली है। इसको यूं हम कर सकते हैं कि जैसा पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा, तो उनके बीच की पूर्व दक्षिण, जैसे कि रेलवे में भी लिखा रहता है ना उत्तर पूर्व या मध्य पूर्व, ऐसे अलग अलग जो भाग होते हैं। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे, तो दक्षिण रेलवे अलग है, पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम उसके बीच का भाग, ऐसे ये जो चार हैं, ये जो अवांतर दिशाएं हैं ये ऐसे हैं जैसे पसलियां हैं। तो दिशाएं तो हो गई पार्श्व, बगल, और अवांतर दिशाएं हो गई पसलियां। अब यूं देखें तो ये सारे ही पार्श्व में ही हैं, और क्या, जैसे ये पूरा पार्श्व है, पूरा घेरा है दिशाओं का, दिशाएं और अवांतर दिशाएं, ये सबको ही पार्श्व कह देते हैं, लेकिन इनको तो परशुकाएं कह दिया, पसलियां की तरह से कह दिया, ये केवल एक समझाने के लिए। ऋतवो अंगानी, ऋतुएं क्या हैं इसकी, इसके अंग हैं। अब ऋतु भी काल है, संवत्सर आत्मा थी और ऋतुएं उसके अंग हो गए। तो जैसे हमारे अंग प्रत्यंग होते हैं, हाथ पैर आदि, तो बोले ऋतुओं अंगानी। आगे मासाश्च अर्धमासाश्च परवाणी, जो महीने और अर्ध महीने हैं, यानी पक्ष जो होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, 15-15 दिन के जो होते हैं, ये क्या है, जोड़ हैं, पोर हैं। तो हमारे जोड़ हैं शरीर में, हाथ में, पैर में, उंगलियों में, और बहुत जगह जोड़ हैं, 200 से ज्यादा हड्डियां हैं, और उनके जोड़ हैं सारे। वो जोड़ क्या हैं, इस यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, इस जोड़ को जान लिया तो उस संसार के मास और अर्धमास को भी जान लिया। ये जोड़ने वाले हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे अर्धमास और मास से मिलकर के संवत्सर बनता है, ऋतुएं बनती हैं, ऐसे ही ये जोड़ के, बस ये जोड़ हैं ये बीच में। अहोरात्राणी प्रतिष्ठा, दिन और रात उसके आधार हैं, काल का ही भाग है। नक्षत्राणी अस्थिनी, ये जो नक्षत्र है ये इसकी अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। आप बताओ, नक्षत्र जो दिखते हैं, तारे, वो क्या है, हड्डियां हैं। जोड़ किन के बीच में होते, हड्डियों के बीच में होते हैं सामान्य रूप से। यूं तो मांसपेशियों के भी जोड़ होते हैं और उनमें भी जोड़ होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम क्या लेते हैं, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वो जोड़ के रूप में, पर्व के रूप में कहे जाते हैं। जैसे गन्ने के पोर होते हैं, पर्वे होते हैं, पोरे होते हैं, गांठें होती हैं। तो नक्षत्र तो हो गई हड्डियां, अब उसमें इन पोरों को जोड़ लो, मास और अर्धमास को कैसे जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे। ऐसा कैसा चित्र बनाएंगे बताओ, कि नक्षत्रों के बीच में मास और अर्धमास हम दिखा दें कि देखो ये इसके जोड़ हैं, और लिखने को तो लिख देगा कोई, यूं को दिखेगा क्या वो, उसमें कुछ भी नहीं। नक्षत्राणी अस्थिनी नभो मानसानी, ये नभोमंडल है, आकाश, आकाश के हैं या तो बादल के हैं, ये कैसे है, जैसे कि मांस है, हमारे शरीर का मांस है, ऐसे ये है। वध्यम सिकता, सिकता मतलब यहां जो बालू दिखाई देती है हमारे को धरती पे, मिट्टी के कण है, वो क्या है, वो उवध्य है। उवध्य मतलब अधपका भोजन, आधा पका हुआ भोजन होता है ना, कहां पर, पतीले में नहीं, पेट में। हमारे अंदर जो अधपका भोजन होता है, खाने के बाद में थोड़ा पक गया और अभी पूरा नहीं पका है, चल रहा है, पाचन चल रहा है उसका, वो क्या है, ये जो रेत दिखाई देती है ये आधा पका भोजन है। शरीर में यत पिंड तत् ब्रह्मांड है। सिंधवो गुदा, जो नदियां हैं ये हमारा मलमार्ग की तरह से है, नलिया है, मलमार्ग है, उसमें वहन होता है, आहार नाल होती है मुख से लेकर के मलद्वार तक। तो नदियां ऐसे हैं। जकृच्च क्लोमानश्च पर्वता, ये जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, जैसे कि हमारा यकृत हो और क्लोम हो। यकृत मतलब तो लीवर और क्लोम मतलब पैंक्रियाज होता है, क्लोम ग्रंथि बोलते हैं, अग्न्याशय। एक प्लीहा होता है, स्प्लीन भी होता है, तो क्लोम का मतलब प्लीहा भी हो सकता है। इन्होंने क्या किया, पिपासा स्थान जिगर के पास का अंग, ये तो इन्होंने स्पष्ट नहीं। या तो अग्न्याशय को क्लोम बोल देते हैं और नहीं तो प्लीहा को बोलते हैं। तो ये कैसे हैं, ये टुकड़े टुकड़े से हैं। यकृत को कभी देखें अलग से निकाल के रखा हुआ हो तो वो पर्वत जैसा ही दिखता है, तिकोना सा। जैसे पर्वत कैसे होते हैं, नीचे से चौड़े और इधर यूं होते हैं, यकृत यूं रखा हुआ होता है, उसके खंड लोब जो होते हैं वो यूं ही दिखाई देंगे। जैसे कि तिकोना सा, एक तिकोना कोई बड़ा सा यूं रखा हो ना, तो नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से सकड़ा होता है, वो उसी तरह का दिखाई देता है, एक टुकड़ा सा खंड यूं उभरा हुआ जैसा। तो यकृत और क्लोम कैसे हैं, जैसे कि ये जो है वो, जैसे यहां पर इसमें सृष्टि के अंदर पर्वत है। औषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानी, अब हमारे शरीर में रोए हैं, तो इसमें कहां रोए हैं, जैसे कि औषधियां और वनस्पतियां हैं, ये रोए तो हैं। अब इसको रोए को देखेंगे तो रोए कहां पर हैं, ये पूरे शरीर में है ना, चारों तरफ। और यहां पर भी कहां पर हैं, सृष्टि के इसके पृथ्वी के चारों तरफ है ना, सभी जगह तो रहते हैं, जहां जहां धरती है वहां वहां ये सारे रोए हैं ना। लेकिन ये सृष्टि शरीर का वर्णन क्या है, ब्रह्मांड का किया जा रहा है। उस ब्रह्मांड की दृष्टि से तो ये केवल पृथ्वी आधार था यहां पर। अब ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, इस सृष्टि तो बहुत बड़ी है। तो ये रोम ये पृथ्वी की दृष्टि से यहां पर का एकमात्र प्रतीक है। ये भी हिलते रहते हैं, हमारे रोए भी हिलते रहते हैं, उगे हुए हैं जैसे कि पेड़ों की तरह से रोए। आगे उदयन पूर्वार्थो निम्लोचन जघनार्थो, ये जो उदय होता हुआ सूर्य है वो कैसा है, जैसे कि हमारा नाभि से ऊपर का भाग हो। पूर्वार्ध, पूर्व का जो अर्ध भाग है, नाभि हमारे शरीर के बीच के भाग में मानी जाती है। ऊपर और नीचे के भाग में नाभि केंद्र जैसे होता है, जैसे पहिए का केंद्र होता है नाभि, उसको भी नाभि कहते हैं, अक्ष। तो नाभि के ऊपर का भाग ये पूर्वार्ध है और नाभि के नीचे का भाग है वो जघनार्ध है, नीचे का आधा भाग। तो सूर्योदय है ये तो जैसे इस सृष्टि का पूर्वार्ध है, और जो निम्लोचन यानी सूर्यास्त है ये जघनार्ध है। अब ये दिन की दृष्टि से कथन हो रहा है, सूर्य ऊपर और नीचे का। यद विजृंभते तद विद्योतते, अब शरीर है तो यत पिंड है, तो इसमें जो हम जम्भाई लेते हैं तो वो यहां जम्भाई कहां होती है, तो बोले जैसे कि ये चमकती है, बिजली चमकती है, विद्योतते, वो जम्भाई लेने के समान है। यद विधूनते तत्स्तनयति, जो हम कभी हिलते हैं, जैसे कि पशु आदि हिलते हैं, कपाते हैं शरीर को, जैसे घोड़ा करता है, जैसे पीछे था ना वो अपने पाप को सारे को हिला करके हटा देता है गंदगी को, ऐसे ही विधुनन जो कंपन करते हैं वो क्या है, ये स्तनयितनु है, जैसे कि ये ध्वनि होती है, गरजते हैं बालक, ये उसके समान है। यन्मेहति तद्वर्षति, जो मूत्र का त्याग करते हैं ये कैसा है, जैसे कि बारिश हो रही है। वागे वस्य वाक, और इस सृष्टि में जो सारे शब्द होते हैं वही जैसे हमारी वाणी से होता है वैसे इसके भी वाणी को माना जाता है। तो ये इसमें तुलना करके बताया गया, यत पिंडे तद ब्रह्मांड, केवल एक की जैसे यहां ऐसी ऐसी चीजें यहां पर भी हैं। आगे देखिए, अहर्वा अश्वम पुरस्तात महिमा अनबजायत, इस अश्व का जो पहले का भाग है वो क्या, अहर दिन है, ये पहली महिमा के रूप में उत्पन्न हुआ। इस सृष्टि का जो काल चल रहा है, रचना का जो काल चल रहा है, ये तो हो गया दिन, और जो प्रलय रहती है वो रात्रि की तरह से कहलाती है। तो अहर्वा अश्वम पुरस्तात महिमा अन्वजायत है, इस अश्व के का जो दिन है उसके पहले महिमा उत्पन्न हुई, एक महान चीज उत्पन्न हुई। उधर हम सृष्टि से अव्यक्त से महतत्व की, महान की, बड़े की उत्पत्ति कहते हैं, महत महान उत्पन्न हुआ। और तस्य पूर्वे समुद्रे योनि, और जो पूर्व वाले समुद्र हैं वो उसके कारण है, उसके पहले के जो समुद्र हैं, और वो समुद्र सृष्टि प्रकृति के रूप में समुद्र कह सकते हैं हम। तो इस समुद्र से क्या लेते हैं, कुछ लोग इसका अर्थ सूर्य लेते हैं, कुछ प्रकृति लेते हैं, कुछ परमात्मा भी लेते हैं। तो तस्य पूर्वे समुद्रे योनि, योनि मतलब कारण है। आगे कहा रात्रि एनम पश्चान महिमा अन्वजायत, जो रात्रि है ये बाद की महिमा, बाद में, इसके बाद में जो हुआ वो रात्रि महिमा के रूप में उत्पन्न हुई, ये प्रलय की दृष्टि से कथन है। तस्य अपरे समुद्र योनि, उसका कारण बाद वाले दो समुद्र हैं। अब दो दो समुद्र बता रहे हैं, दो पहले वाले हैं, दो बाद वाले समुद्र हैं, उसके कारण है। एतौवा अश्वम महिमान औ अभितः संबभूवतु, ये दोनों इस अश्व की महिमा के रूप में उत्पन्न हुए, दिन और रात। तो अब ये एक अश्व है, ये सृष्टि जो है मेध्यस्य अश्वस्य, जानने योग्य जो अश्व है, अश्व मतलब ये सृष्टि के लिए कहा जा रहा है। तो ये अश्व है, अब अश्व की तरह से एक तुलना कर रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। हयो भूत्वा देवान अवहत, ये जो अश्व था, घोड़ा जो था, ये सृष्टि जो है इसने हय बन करके देवों को का वहन किया। इसी घोड़े ने हय बन करके देवताओं का वहन किया, देवताओं को ले चला आगे, उनकी यात्रा पूरी करवा दी, उनका लक्ष्य प्राप्त करवा दिया। हय हो करके, हय के दो तरह से अर्थ लेते हैं, एक तीव्र गति वाला हो करके, ये सृष्टि देवों को बहुत तेजी से आगे बढ़ा देती है, यही सृष्टि बहुत तेज ले जाती है उनको। और दूसरा हय का अर्थ कुछ टीकाकारों ने किया कि छोड़ने योग्य है, जो उसको हे की तरह से हय लिया हुआ है, कि ये सृष्टि हे के रूप में आकर के देवताओं को वहन करके ले गई, देवताओं को बढ़ा दिया, क्योंकि देवता लोग इसको हे कोटि में रखते हैं, लक्ष्य के रूप में नहीं रखते, साधन के रूप में रखते हैं। साधन तो बाद में छोड़ ही दिया जाता है, साधन को तो हम छोड़ ही देते हैं, वो छोड़ने योग्य होता है, वैसे ग्रहण भी करते हैं उसका, लेकिन साधनों के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हम छोड़ देते हैं उसको। जो लक्ष्य होता है उसको तो पकड़ के रखते हैं, छोड़ किसको देते हैं, साधनों को छोड़ देते हैं। तो देवताओं के लिए ये हय होकर के उनका वहन करने वाला होगा। वाजी गंधर्वान, तो वाजी भूत्वा गंधर्वान अवहत, भूत्वा और अवहत इसको हम साथ में जोड़ लेंगे, अन्वय कर लेंगे। तो जो गंधर्व लोग थे, कुशल थे विभिन्न कलाओं वाले, उनके लिए वाजी बलवान बनकर के उसने इनका वाहन किया। वाजी भी घोड़े का नाम है, हय भी घोड़े का नाम है, वाजी भी घोड़े का नाम है, बलवान जो है, लेकिन अब ये सामान्य घोड़े नहीं रहे, नाम की तरह से विशेषता हो गई। तो जो गंधर्व लोग हैं मनुष्य, एक देव मनुष्य होते हैं, एक गंधर्व होते हैं, जो नृत्य संगीत कलाएं इनकी तरफ प्रवृत्त रहते हैं, बौद्धिक रूप से इस तरह की चीजों में आनंद लेते हैं, उनके लिए इसने वाजी बन करके उनका वहन किया। और अरवा असुरान, अरवा बन करके, ये हिंसा अर्थ में है अरवा, ये भी घोड़े का नाम है, हिंसक बन करके, अरवा बन करके उसने असुरों का वहन किया, क्योंकि असुरों ने इसी सृष्टि को हिंसा के रूप में प्रयोग किया, इसका साधन का प्रयोग करके हिंसा की, गंधर्वों ने इसका प्रयोग करके बल को प्राप्त किया, और देवताओं ने इसका प्रयोग करके इसको त्याज्य समझ करके नेति नेति करके, और वो भी आगे बढ़ गए इसी सृष्टि को। आगे अश्वो मनुष्यान, ये अश्व होकर के मनुष्यों को ले जाता है, जैसे सामान्य वाहन करते हैं, जीवन चलाते हैं, बस हमारा जीवन चल रहा है, हमारे गंतव्य तक पहुंच गए, छोटे मोटे लक्ष्यों तक। तो अश्व बन करके उसने मनुष्यों का वाहन किया। तो चार, देवता गंधर्व असुर और मनुष्य, ये चार वर्गीकरण कर दिए है मनुष्य ही, लेकिन उसमें स्तर के भेद से ही अलग अलग कर दिया। मनुष्य एक सामान्य हो गया, गंधर्व उससे ऊंचे हो गए, देव उससे भी ऊंचे हो गए। तो ये ही प्रकृति, ये ही सृष्टि अलग अलग रूप में काम में आ जाती है, एक ही वस्तु का उपयोग अलग अलग जने अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। देवता लोग इसी सृष्टि को देख के वैराग्य को प्राप्त करके मुक्ति तक चले जाते हैं, दूसरे लोग इसी को कमा करके उत्पन्न करके बहुत बलशाली बन जाते हैं और इसका आनंद भोगते हैं। असुर लोग इन्हीं साधनों को लेकर के हिंसा करते हैं, लोगों का नाश करते हैं। और मनुष्य लोग अपने सामान्य काम करते हैं इसी से। आगे समुद्र एवं अस्य बंधु समुद्रो योनि। अब यहां फिर समुद्र शब्द आया, पीछे भी आया था तस्य पूर्वे समुद्र। तो व्याख्याकारों ने वहां तो समुद्र का शंकराचार्य आदि बस समुद्र का समुद्र ही अर्थ करते हैं, कुछ खोलते नहीं है कि यह समुद्र क्या है। नीचे वाला जो समुद्र है उसका परमात्मा परक अर्थ किया जाता है कि समुद्र एवं अस्य बंधु, इस सबका, इस सृष्टि का, ये जो अश्व है इसका बंधु कौन है, बांधने वाला कौन है, वो समुद्र है, वो परमात्मा है। व्यापक अथाह परमात्मा इसका बंधु है, बांधने वाला है, उसने इसको समेटा हुआ है, सहेजा हुआ है। और समुद्रो योनि, समुद्र ही इसका कारण है, निमित्त कारण है, उससे ये बना है। मूल प्रकृति का भी अर्थ समुद्र से ले सकते हैं, उसको लेंगे तो उपादान कारण लेंगे और परमात्मा लेंगे तो निमित्त कारण लेंगे। तो ये जो सारा वर्णन किया गया इसमें प्रथम ब्राह्मण के अंदर, ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की तरह से पहले जो पहली खंडिका में जैसा वर्णन किया गया, यहां ये, वहां ये, वहां ये। अब इससे हमें प्रतीत होता है कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा शरीर जैसा ये है वैसा वो नहीं है, मात्र कुछ समझाया जा रहा है। और क्या समझाया गया यहां पर, ये प्रतीत होता है जैसे ये इकाई है वैसे वो भी इकाई है, वो भी परस्पर संबद्ध है, उस जैसा ही है ये, उसको भी एक रूप में देखो। सीधे शब्द नहीं है, लेकिन जैसे यहां पर विभिन्न चीजों को बनाते हुए भी हमें पता है कि ये सब एक के भाग हैं, ऐसे ये सब अलग अलग बताते हुए अपने आप लग जाएगा कि भाई ये कुछ एक से संबद्ध जुड़े हुए हैं। ये एक दृष्टि यहां पर दी गई, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसे ये इकाई है वैसे वो इकाई है, जैसे यहां व्यवस्था है ऐसे वहां व्यवस्था है, जैसे ये सब प्रयोजन है वैसे वो भी सब प्रयोजन है। ये एक भाव हमारे को यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड से मिल सकता है। इतनी समझ, इस शरीर को समझने से इतना हम ब्रह्मांड को भी समझ सकते हैं, इस अर्थ में इसको यहां पर हम लेते हैं। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम।